हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। मेरा नाम है गजेंद्र डागर और आज इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कुछ और हाईवे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे रूल्स जो आपको हाईवे पे फॉलो करने होते हैं। देखिए, वैसे तो हाईवे पे इतने सारे रूल्स होते हैं कि बात करते करते पता नहीं एक घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी, तो इसलिए हम हर वीडियो में कुछ टिप्स कुछ रूल्स की बात करते हैं। ये यहाँ पे यार ये हाईवे बहुत टूटा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं कुछ मेन चीज़ों की, कुछ मेन टिप्स मेन इम्पोर्टेंट चीज़ों की। और देखिए, हम शुरुआत जो करने वाले हैं, मेरे सामने ये ट्रक खड़ा हुआ है, इस ट्रक से ही शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्रक से या एक बड़े व्हीकल से आपको इतनी दूरी रखनी चाहिए कि अगर एक बड़ा व्हीकल ब्रेक लगाता है तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप भी ब्रेक लगा सकें। सपोज़ करिए कि आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे मैं इस ट्रक के पीछे कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा ही नज़दीक ले जाता हूँ इसके और ये ट्रक ब्रेक लगा देता है, तो मेरे पास शायद इतना टाइम ना हो कि मैं ब्रेक लगा सकूँ। और अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा तो मैं सीधा इस ट्रक के नीचे जाके घुस जाऊँगा। अब देखिए, ऐसे में रिस्की सिचुएशन कैसे बनती है, एयर बैग्स भी काम नहीं करते हैं क्योंकि एयर बैग्स के जो है सेंसर आगे लगे हुए होते हैं, अगर आगे इम्पैक्ट नहीं होगा गाड़ी सीधा ट्रक के नीचे घुसेगी। इससे इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं होगा, सेंसर्स को पता नहीं चलेगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी टकराई है कहीं पे, तो एयर बैग भी नहीं खुलेंगे और ज़्यादा डैमेज का डर रहता है। इस वजह से हमेशा एक ऐसी दूरी मेंटेन करके रखिए जिससे कि आपको टाइम मिले ब्रेक्स लगाने का। दूसरी चीज़ हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि हाईवे पर मोड़ पर कभी भी ओवरटेक ना करें गाड़ी को। अगर आप करने लग जाते हैं, आगे से कोई गाड़ी आ जाती है, तो उस टाइम पे आपके लिए कुआं और खाई जैसी सिचुएशन बन जाती है। ना ही तो आप ब्रेक लगा सकते हैं, गाड़ी को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर एकदम से ब्रेक आप इमरजेंसी में लगाते हैं तो पीछे से कोई भी गाड़ी आपको आके इम्पैक्ट कर सकती है। और अगर आप ब्रेक नहीं लगाते ओवरटेक के लिए जाते हैं तो आगे से आ रही गाड़ी से आप टकरा सकते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कभी भी मोड़ पर ओवरटेक ना करें किसी भी गाड़ी को। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं, रात को जब कभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो लो बीम पे हमेशा ड्राइव किए, आपके जो हेडलैम्प्स हैं उनको लो बीम पे रखिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जैसा कि इंडिया में मोस्टली जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो टू साइडेड होते हैं, दोनों तरफ गाड़ियाँ चलती हैं उन रोड्स पे। अब उसमें आप रात को हाई बीम पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो दूसरा जो सामने वाला ड्राइवर है जो दूसरी साइड से आ रहा होता है उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसको आप नहीं दिखाई दोगे कि आप कितनी दूरी पे हो, रोड पर कहाँ चल रहे हो, तो हो सकता है वो सीधा आपकी गाड़ी से जाके टकरा जाए। तो इस वजह से कभी भी हाई बीम पे गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए रात के टाइम पे। लो बीम पे आप चलाएंगे, आप उससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी लो बीम पे गाड़ी को चलाने की, दूसरे ड्राइवर को भी उससे सहूलियत रहती है और आपको भी आसानी होती है ड्राइविंग करने में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि राइट मोस्ट जो लेन होती है हाईवे पर, जो फर्स्ट लेन होती है, उसमें आपको कभी भी स्लो ड्राइविंग नहीं करना होता है। अब जैसे ये टेम्पो जा रहा है, ये बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहा है, ये एक तरह से नियम तोड़ रहा है, क्योंकि इस लेन में या तो आप ओवरटेक करने के लिए जाएंगे या फिर आपकी स्पीड 100 km/h होगी तो इस लेन में आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, कई देशों में तो ये रूल भी होता है कि अगर आप इस लेन में स्लो ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, आपका चालान कटेगा, क्योंकि ये लाइन मोस्टली जो है ओवरटेक करने के लिए होती है, या तो या इस लेन में आप एक सर्टेन स्पीड होती है उससे नीचे आप गाड़ी की स्पीड को नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इस वीडियो के माध्यम से मेंशन करनी है, वो ये कि जब कभी भी आप ओवरटेक करते हैं ड्राइव करते हैं तो लेन के बीचों बीच आपको ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि दैट्स द सेफेस्ट वे टू ड्राइव। अगर आप लेन से इधर उधर भटक रहे हैं, ये एक तरह से डिवाइडर होता है, जो वाइट पट्टियाँ होती हैं, एक डिवाइडर होता है लेन का, अगर मैं इस डिवाइडर के आधा उस तरफ और आधा इस लेन में चलता हूँ तो वो एक रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि पीछे से अगर कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है, देखिए आप अपना ध्यान रख रहे हैं लेकिन दूसरा कितना ध्यान रख रहा है वो आपको नहीं पता, वो शायद यही सोच के ला रहा है कि वो अपनी लेन में सीधा चला आ रहा है, लेकिन अगर आप अपनी लेन में नहीं हो तो शायद हो सकता है वो पीछे से आपको आगे टक्कर मार दे। तो आप अपनी लेन में चलिए, इधर उधर मत जाइए लेन से,